हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि की रसोई एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कमलगट्टे की रेसिपी, उसके हलवे की रेसिपी और उससे जुड़ी कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें और उससे जुड़े फ़ायदे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कमलगट्टे के हलवे की रेसिपी के साथ साथ उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। कमलगट्टे का सेवन करने से डायबिटीज़ जैसे लंबे समय से चलने वाले रोग से भी छुटकारा मिलता है। तो आप कमलगट्टे का सेवन करिए और डायबिटीज़ जैसी बीमारी से भी छुटकारा पाइए। तो मैं आपको बताती हूँ इससे जुड़ी दूसरी बातें जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बदलते ज़माने के साथ मोटापा भी आजकल बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आप कमलगट्टे का हलवा बनाइए और उसका सेवन करिए और आप कुछ दिनों में खुद ही देखेंगे कि कितना फ़ायदा हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कमलगट्टा दिखने में कैसा होता है। तो कमलगट्टा ऐसा होता है दिखने में, हमारे बनारस में इसको तोड़ कर दिया जाता है और जगह पर तो ये वैसे खड़ा बीज ही मिलता है। तो अगर वहाँ आप लोगों के घर पर आप लोगों की तरफ सारी खड़े बीज मिलती है तो आप उसको सिलबट्टे की मदद से तोड़ लीजिए। और तोड़कर उसे मैं रात भर के लिए भिगो कर रख दी थी, तो आप देख सकते हैं भीगने के बाद कुछ ऐसा दिखने लगा है। तो अब मैं इसके छिलके निकाल दूंगी और कुछ छिलके तो इसने छोड़ दिए हैं भीगने पर ही। तो आप देख सकते हो छिलका यहाँ पर छोड़ चुका है और मैं आपको एक छिलका हाथ से छुड़ाकर दिखाती हूँ कि किस तरीके से छूटता है। तो जब तक मैं इसके छिलके छुड़ा रही हूँ तब तक मैं इससे जुड़ी आपको तीसरी बातें बताती हूँ। इनफर्टिलिटी की समस्या हर औरतों को होती है, तो आप इसका सेवन करिए, इसका हलवा बनाकर खाइए और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इससे जुड़ी चौथी बातें, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसका हलवा बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं और पाचन तंत्र में भी ये काफ़ी अच्छे से कार्य करता है। तो बस मैं इसके सारे छिलकों को निकाल दूंगी और निकाल कर आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाया है और किस तरीके से करना है। तो इससे और एक बात और भी ज़रूरी है कि अगर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं अंदर से और वो लोगों के अंदर ताकत नहीं है, तो आप हलवा बनाकर देसी घी में बच्चों को खिलाइए, उससे भी ज़्यादा लाभ होगा और आप खुद देखेंगे कि वो लोगों के शरीर में ताकत आएगी। तो मैंने यहाँ पर सारे छिलकों को निकाल दिया है और निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे किस तरीके से बनाना है। कमलगट्टे का हलवा किस किस ने बनाया है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और किस किस ने खाया है ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे छिलकों को निकाल लिया है और निकाल कर आप देख सकते हैं यहाँ पर छिलके निकालने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं जैसे पीनट्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे दिखते हैं छिलके उतारने के बाद और एकदम वैसे ही लगते हैं। तो चलिए एक मिक्सी के जार में हम लोग उसको पीस लेंगे, एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कमलगट्टों को इसमें डालना है और डालने के बाद आपको एक फाइन सा पेस्ट बनाना है। तो मैं ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ काजू और बादाम यूज़ करूँगी, आप अपने पसंद के हिसाब से जो आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है कम से कम 7 से 8 मैं इसमें काजू ऐड करूँगी और 6 से 7 मैं इसमें बादाम ऐड करूँगी। जैसे बादाम ऐड करूँगी तो यहाँ पर मैंने काजू को डाल दिया है और अब मैं इसमें बादाम ऐड कर दूँगी और बादाम ऐड करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। तो आप देखिए, और हमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, कम ही पानी का यूज़ करना है। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप थोड़ा पानी और डाल सकते हो, डालकर फिर से आप इसको चला सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा पेस्ट बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम ऐसा स्मूथ सा पेस्ट आपको चाहिए, ज़्यादा दरदरा नहीं, हमें एकदम स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस पे। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को चढ़ा दिया था और वो गर्म हो गई थी और मैंने इसमें 2 चम्मच शुद्ध देसी घी का यूज़ किया था। तो मैंने 2 चम्मच देसी घी यूज़ की है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 4 लोगों का हलवा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 2 चम्मच ही देसी घी यूज़ की है, क्योंकि ज़्यादा देसी घी टेस्ट को बिगाड़ सकती है। तो उसके बाद हम लोग डाल देंगे कमलगट्टे का बैटर जो मैंने पीस कर रखा था। तो घी जब अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तो आप बैटर डाल दीजिए और इसको बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरीके से बन जाता है। और इसको चलाते रहना है स्लो आंच पर, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है, वरना ये जहाँ से 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लिया था तो ये कुछ ऐसा हो गया था, गाढ़ा होने लगा था।
तो बस इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए रहना है, छोड़ना नहीं है। और अगर चिपकता है तो कोई बात नहीं, वो ठंडा होने पर फिर छोड़ देगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो चुका था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा हलवा काफ़ी हद तक पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर। अगर आप इलायची पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इलायची पाउडर से टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर आधी चम्मच से भी थोड़ा कम इलायची पाउडर लिया है और मैंने उसको ऐड कर दिया है। और अब इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। अगर आपको शुगर या डायबिटीज़ है तो आप चीनी की जगह शुगर फ्री का यूज़ कर सकते हो, चीनी यूज़ मत करिएगा। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है, हाई नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पर चलाते हुए इसको पकाना है जब तक हमारी चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। और ताकि, और मैंने चीनी इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि चीनी और वैसे हर का बैटर ज़्यादा था तो उसमें अंदाज़ आपको नहीं पता चलता, तो मैंने इसलिए बाद में डाली है। बन चुका है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बना है। और फिर इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे और ड्राई फ्रूट्स से हम लोग गार्निशिंग कर देंगे। तो मैंने सर्विंग बॉल में इसको निकाल लिया है और मैं कुछ ड्राई फ्रूट के साथ इसको सर्व करूँगी, गार्निशिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर काजू और बादाम का यूज़ किया है और मैंने मखाने का भी यूज़ किया है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और फैमिली के हर एक एक लोगों को दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं खा सकता है, सबके लिए ये फ़ायदेमंद है और बीमारी में भी ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। तो आप सबको दीजिएगा और सब लोग खाइएगा। तो यहाँ पर मेरा हलवा बनके तैयार है, मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर मेरा हलवा बनके तैयार है, तो आप देख सकते हैं मेरा हलवा कुछ इस तरीके का है। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, देखने के लिए।